बहुत बार पीटेगी, ये बहुत बदतमीज हो रहे हैं गाइस। ये मुझे लिप पे बहुत तंग कर रहे हैं ना। विक्रम और बेताल अब अपने बच्चे यहाँ छोड़ सकते हो और हेलो यूट्यूब फैम, वी आर बैक विद पार्ट टू ऑफ आवर व्लॉग, जहां हम आपको दिखाएंगे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लक्जीरियस प्रॉपर्टी इन चेल, विच इज कॉल्ड वेलकम होटल बाय ITC। यहां पे बहुत कुछ है करने को एंड वी जस्ट कैन नॉट वेट टू शो यू, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको देख के पता चल ही गया होगा कि कैमरा इस टाइम पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा है एंड दैट्स बिकॉज द रोड इज वेरी बम्पी एंड बैड। एंट्री पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हो रही है जिसके बाद अंकल इज गोइंग टू लेट अस इन। 3, 2, 1, we are finally inside, guys. View इतना ज़्यादा pretty है, मेरा बहुत मन था यहाँ साइड में कार रोक के अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाने का, बट मृदुल वॉज लाइक नहीं अभी अंदर जाना है और अंदर भी बहुत कुछ है देखने के लिए, तो आई वॉज लाइक चलो कोई बात नहीं वापस आएंगे, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली हम वापस नहीं आए थे यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने, सो या अगर एंट्री इतनी सुंदर है तो आप सोच भी सकते हो अंदर क्या होगा। मुझे इतनी ज़्यादा मेन कैरेक्टर वाइब्स आ रही थी इस टाइम, आई जस्ट कुड नॉट वेट टू गो इनसाइड। क्लाउड्स को देख के ऐसा लग रहा था वी वर लिटरली इन हेवन। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा वेलकम कैसे हुआ है और आई वाज वेरी क्यूट एंड द वाइब ऑफ द प्लेस इज वेरी नाइस, तो वी विल शो यू व्हाट द रेस्ट ऑफ द होटल इज लाइक। सो एप्पल सिनेमन टी मिली है एज अ वेलकम ड्रिंक एंड हम तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं यहाँ पे। अभी हमारा रूम हो रहा है अवेलेबल, तो हमें शायद यहाँ पे 5 मिनट्स या कुछ वेट करना पड़ेगा, तो दिखाते हैं आपको पूरा प्रॉपर्टी टूर देते हैं एंड तो ये है हमारा प्रॉपर्टी टूर का फर्स्ट स्टॉप, विच इज अ गिफ्ट शॉप जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हैंडमेड चीजें पड़ी थी सच एज शॉल्स एंड सुविनेर्स। हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मृदुल ने मुझे बोला था हम यहाँ वापस आएंगे, बट एज यूजुअल हम यहाँ वापस नहीं आए। ये है इनका बार विच इज कॉल्ड स्विजल, जिसपे है हैप्पी आवर 6 PM to 8 PM एंड दिस इज द इंडोर डाइनिंग एरिया जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं। Yeah, so you pack, because your package start with your breakfast, the part of the package. And so we have a two type of seating, one is the inside. इतना प्रिटी व्यू है, बाहर बैठना तो बनता ही है। थैंकफुली यहाँ पे आउटडोर सीटिंग भी है विच इज सुपर एस्थेटिक। हमने अपना बहुत टाइम यहाँ स्पेंड किया। अब हम जा रहे हैं अपनी रूम की तरफ टू फ्रेशन अप बिफोर एक्सप्लोरिंग द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, बट गाइस प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है और दिखाने को। And this is the block for the gymnasium, swimming pool and the spa. Okay. And we have an indoor swimming pool. गाइस हम फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं एंड क्या प्रॉपर्टी है, हमारा मन ही नहीं कर रहा हम चैल और एक्सप्लोर करने जाएं बिकॉज हमारे पास वन डे है एंड आई थिंक हमें पूरा दिन प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने में ही लग जाएगा एंड अभी हम आपको बाकी सब चीज़ें भी दिखाएंगे, तो देखते रहो आगे क्या हो। गाइस हमें अभी याद आ रहा है कि हमने आप लोगों को लोहड़ी विश नहीं किया है, सो हैवी लोहड़ी एंड हैव अ ग्रेट। हम आए तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट वेलकम हैप्पी लोहड़ी था और हमें सब हैप्पी लोहड़ी विश कर रहे थे, वी वर लाइक ओह आज तो लोहड़ी है एंड आज शाम को वही लोहड़ी का इवेंट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सो या कहाँ जा रहे गाइस। अभी हम होटल का टूर लेने जा रहे हैं एंड हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बैठ गए और अब दिखाते क्या क्या है। हाँ
अभी खुला हुआ है भैया? यस मैम अभी खुला है। और टेम्परेचर रेगुलेटर? यस मैम हो जाएगा मैम। तो उसके लिए मतलब अच्छा ओपन है ना? यस मैम ओपन है मैम, वहाँ पे गाइड भी है अगर टेम्परेचर चाहना। कॉटेजेस आ गए इनके। तो गाइज वी आर स्टेइंग इन द सुइट बट हम आपको कॉटेजेस का टूर भी दिखा देंगे। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया एंड दे वर वेरी काइंड इनफ कि हम देख सकते हैं, तो हम आए हैं आपको दिखा। कॉटेज है कौन सा? कॉटेज स्वीट कॉटेज तीन रूम, उसमें डबल बेडरूम है। ऑल राइट ठीक है। सर दूसरी पाइन ट्रेल स्टार्ट होती है, जैसे वो ओक ट्रेल थी पाइन ट्रेल जाती है। पाइन ट्रेल यस सर, वो 5 मिनट की, ये 10 मिनट की। ऑल राइट ये थोड़ी बड़ी है सर। हाँ जी उसके बैक साइड पाइन ट्रेल आती है गाइस, लीगल क्लाइंट ऑन वॉल ये है बंदर। गाइस ये लड़का है जो मुझे कहीं फोटोज नहीं लेने देता क्योंकि कहता है कि हमारा चैल का पूरा ट्रिप मिस हो जाएगा, बट जब इसको मन करता है लेने का तो ये कहता है एक फोटो लियो एक फोटो लियो, और फिर इसकी फोटो लेनी पड़ती है। पर जब मैं अपनी फोटो लेती हूँ और मैं कहती हूँ दिखा दे, कहता है एंड में रहूँ और मैं देखेंगे, मुझे पता भी नहीं चलने देता कि मेरी फोटो अच्छी आई या नहीं आई। Dressed like a true red flag today, मृदुल शर्मा। Guys ये ओक या पाइन ट्रेल, ये ओक ट्रेल है ना? हाँ ये ओक ट्रेल है और पाइन ट्रेल वहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरा भी स्टार्ट करने दे, चलो अभी स्टार्ट नहीं किया, चलो स्टार्ट। गाइस अभी हम टैक्स से नीचे आ रहे हैं, मृदुल ने मेरे साथ बहुत गलत किया पूरे रास्ते, बट अभी हम नीचे आ रहे हैं एंड आई फेल्ट लाइक एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ व्यू कितना प्रीटी है। अगर आप एडवेंचरस हो आपको ग्रीनरी अच्छी लगती है, गाइस बहुत एडवेंचर हो रहा है, बहुत ज्यादा एडवेंचर हो गया। सुपर लग्जीरियस, हमें बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देखने में एंड डेफिनेटली अगर आपको एडवेंचर अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज डू कम हियर। अभी हम नीचे जा रहे हैं और हम और चीजें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज स्क्रीम्स लग्जरी, बिकॉज सब कुछ इतना ज्यादा इतना क्लासी इतना रिच है, हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस ये प्रिमरोज सुइट है, यहाँ पे सिर्फ एक सुइट है, तीनों तरह से सिर्फ एक सुइट है ये पूरे रिसॉर्ट। गाइस ऑब्वियसली अभी तक आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि इस सब प्रॉपर्टी सॉरी कार्ड क्यूरियस हो गए कि एक्चुअली में रेट्स प्राइसेस क्या है एंड हम आपको बताते हैं। हमने वेरी गुड, आप अपने बच्चे यहां छोड़ सकते हो और डोनेट कर दो यार बच्चे, सीरियस व्यू देख सकते हो। छोड़ना मतलब छोड़ के चले थोड़ी जाना, मतलब पूरी तरह बच्चे छोड़ सकते हो यहां पे। सो गाइस लेट्स जंप इनटू द प्राइसेस। ऑब्वियसली दो टाइप के रूम्स हैं, प्रीमियर और ड्यूला। तो लेट मी ब्रेक डाउन द रेट्स फॉर यू। सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप के रूम्स हैं, ठीक है, सुपीरियर और ड्यूल्स। अब दोनों रूम्स में प्राइस का थोड़ा सा ही फर्क है। जो सुपीरियर है वो 28,000 का है और जो डीलक्स है वो 26,000 का है, ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ बालकनी साइज में है, तो इतना कुछ खास है नहीं बिकॉज बाकी द रूम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। उसके अलावा द कॉटेजेस वी जस्ट शोड यू, दे आर प्राइस आर 33,000 बट इंटीरियर वाइज ऑल्सो आइडेंटिकल सेम। ये है कि जिसको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, जो फैमिली के साथ आता है, दे वुड प्रेफर अ कॉटेज। सो एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटेज है जो सुपीरियर है, लग्जीरियस है, उसका रेट है 1 लाख फॉर 1 नाइट। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम एंड यू आर कमिंग विद बिग फैमिली, यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड आपने कहाँ का रुकना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो भी आप डिसाइड कर सकते हो आपने कहाँ रुकना है। एंड उस स्वीट का नाम क्या है? स्वीट का नाम प्रिमरोज, प्रिमरोज स्विमिंग पूल और जिम ऊपर ऊपर गाइस ऊपर, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग इधर। अगर आप जा सकते हो और आप चेकअप कर सकते हो, अभी हम जा रहे हैं उस तरफ से, हम आपको दिखा सकते हैं अंदर क्या है। तो गाइस अभी हम आए हैं जहाँ पे जिम है, सो दिखा सकते हैं कितनी जगह है। गाइस मैं तो यहाँ की जिमिंग भूल ही जाऊँ, मैं यहाँ अपना प्रॉपर फोटो शूट करूँगी, जिमिंग तो दूर दूर तक नहीं होगा मेरे माइंड में, बट फिर भी आई थिंक दिस इज द स्पा।
And I also think we are not supposed to talk very loudly. Guys, the view. So this is the gym. And so guys, oh my god, oh wow, it's so warm. ये टेम्परेचर रेगुलेटेड है तो यहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी कितना कोजी है। हमने प्रॉपर्टी मोस्टली सारी कवर कर ली है, अगर कुछ बचता है विल सी एंड विल शो यू गाइस। तो आज शाम को लोहड़ी का इवेंट है यहाँ पे, इवनिंग में मेनली डिनर तो नहीं है बट स्नैक्स होंगे। सो गाइस, दिस इज देयर बार कॉल्ड स्विजल। आप देख ही सकते हो इतना ज्यादा कोजी है एंड नो डाउट हमने अपने आप को यहाँ पे काफी कम्फर्टेबल कर लिया था। यहाँ की कॉकटेल्स इतनी ज़्यादा टेस्टी थी बट आवर फेवरेट वॉज नो डाउट देयर ऑरेंज फ्लेम टिकीला सनराइज विच इज देयर सिग्नेचर कॉकटेल, तो ऑब्वियसली अच्छी होनी ही थी। यहाँ पे एयर हॉकी है, आर्केड एंड बास्केटबॉल। तो हाय गाइस, आप गेस कर सकते हो हम दोनों अलग अलग वेदर्स के अकॉर्डिंग ड्रेस अप हुए हुए हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ और ये कहाँ जा रहे हैं। अभी हम करेंगे डिनर। तो हम अभी नीचे आए थे डिनर करने एंड वी वर क्रेविंग गुड इंडियन फूड बिकॉज ऑब्वियसली नथिंग बेटर टू एंड द डे विद देन प्रॉपर इंडियन फूड। तो अभी हमने ऑर्डर किया एंड हम खा रहे हैं एंड द फूड इज डिलीशियस। पनीर बटर मसाला, बटर नान एंड पनीर बटर मसाला बच रहा था। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, सी यू इन द मॉर्निंग। It is 7 a.m. and can you just look at the view? It is so beautiful. Oh my god. Good morning guys. हम उठ गए हैं और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है, बट ब्रेकफास्ट इज ब्रेकफास्ट और हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम जाके अपना ब्रेकफास्ट खाएंगे और फिर हम अपना पूरा का पूरा डे प्लान आउट करेंगे। तो लेट्स टेक यू अलोंग। ब्रेकफास्ट टाइम और योगा जंप। नहीं मान तो हार रहा हमने ब्रेकफास्ट बुफे के ऑप्शंस देखे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेस्टी चीज़ें हैं एंड वी कैन नॉट वेट टू ट्राई एवरीथिंग आउट। अभी भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है। सो गाइस, इसका वेनिला मफिन इज सो यम। आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक मोर सर्विंग। बाय नॉर्मल किड। व्हाट आर यू सेइंग? एबनॉर्मल किड। बाय। जा जा जा, बड़े गुस्से में गई थी। चल चल दरवाजा खोल यार। गाइस